हेलो, वेलकम इन सब्जेक्ट गो। सब्जेक्ट गो स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ। इस टिप्स से क्या कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल में किसी भी चीज़ का तुरंत फोटो खींच सकते हैं और वो फोटो जो होगा वो बिल्कुल इनविजिबल होगा, यानी कि मोबाइल के अंदर कहीं पूरा जो है फोटो खींच सकते हैं। और इस फोटो खींचने के जो तरीका है इसे कहा जाता है स्क्रीन शूट। ठीक है, तो स्क्रीन शूट ले सकते हैं आप अपने मोबाइल में। जैसे मान लीजिए आप कोई नोट्स पढ़ रहे हैं या कोई भी थॉट्स पढ़ रहे हैं या कोई आप फिल्म देख रहे हैं उसमें का कहीं पे जो फोटो आ रहा है उसमें वो चीज़ लेना है या किसी भी चीज़ का सीन आपको जो है वहाँ पे लेना है, तो वो फोटो क्या होता है आपको किसी दूसरे मोबाइल से खींचना पड़ता है। तो अब जो है आपको वैसा नहीं करना पड़ेगा, आप जो है अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको जो है आसानी से कैप्चर करके रख सकते हैं और वो जो है डायरेक्ट आपके मोबाइल के मेमोरी में यानी कि गैलरी में जाके भी सेव हो जाता है। तो इस तरह से जो है आप किसी भी चीज़ को आसानी से स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। और इससे क्या होगा, जब भी आप कोई इंटरनेट पर नोट्स पढ़ते रहते हैं, जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर के बारे में कहीं पे पढ़ रहे हैं या ब्लॉग के बारे में या यूट्यूब के बारे में, तो आपको क्या है उसको कॉपी में नोट करना पड़ता है या किसी दूसरे मोबाइल से उसका फ़ोटो खींचना पड़ जाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, उसको जो है स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे ये कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी इस पर कोई नया वीडियो आएगा तो उसकी जानकारी आपको ईमेल द्वारा प्राप्त होगी। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सीखते हैं आज के अध्याय को। तो देखिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं यहाँ पे कोई भी ऐप नहीं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ऐप के द्वारा जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं सिंपल सा आपको कुछ तरीके जो है बता देता हूँ। अगर ये तरीके आपके मोबाइल में काम कर जाता है तो आप इनका यूज़ कर लीजिए, और अगर नहीं करता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, फिर मैं इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ऐप भी बता दूंगा। तो दो तरीके होते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ये आप अपने मोबाइल में कुछ बटन है जिनको दबा के जो है ले सकते हैं। पहला है वॉल्यूम डाउन की के साथ पावर बटन दबाइए, तो आप जो है आसानी से स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। वॉल्यूम डाउन की के साथ पावर बटन दबाना है। दूसरा होता है होम बटन के साथ पावर की। ठीक है, दूसरा है होम बटन के साथ पावर की। इन ये दो ऐसे बटन हैं जिनसे जो है ज़्यादातर मोबाइल में जो है स्क्रीनशॉट हो जाता है। अगर आपके मोबाइल में भी ये दोनों चीज़ काम कर जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं करता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और साथ में अपने मोबाइल का और जो भी उसका मॉडल नंबर है वो भी मुझे लिख के बताइए। इससे क्या होगा, मैं आपको एक डायरेक्ट जो है ऐप छोटा सा बता दूंगा और उससे भी ले पाएंगे, और हो सकता है तो मैं आपको ये की भी बता दूंगा, तो की से भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और देखते रहिए सब्जेक्ट को स्मार्ट क्लास और सीखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।